ये लेवी के साथ फेस से आज का तो फ्रेंड्स आपको थंबनेल एंड टाइटल पढ़ कर भी पता लग गया होगा कि आज हमारे वीडियो का टॉपिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि टुडे इज माय बर्थडे। तो फ्रेंड्स आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में विश जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए जैसे कि मैंने आज फिर से अपने पैरट को ले आया हूँ। मैंने सोचा इसको फिर से अपनी वीडियो में ले आऊँ। मैंने पहले सोच रखा था कि मेरे बर्थडे वाले दिन मैं अपने पैरट को अपनी वीडियो के अंदर लेके जरूर जाऊँगा और इसको भी विश करवाऊँगा। गाइस आप विश जरूर कीजिएगा मुझे हैप्पी बर्थडे की। तो फ्रेंड्स आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। फ्रेंड्स आज अब मेरा हैप्पी बर्थडे तो गाइस देखिएगा। मैंने सोचा मैंने गाइस पहले बहुत मैं सोचता था कि मैं अपने ये अपना हैप्पी बर्थडे मनाऊं। पहले मुझे पता ही नहीं था ये यूट्यूब पर वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर क्या हुआ मैंने अपलोड मुझे पता लगा कि जैसे पता लग गया कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से व्यूज़ आते हैं लाइक्स आते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने व्यूज़ और लाइक्स करने शुरू पहले फिर मैंने वीडियो अपलोड करनी कर दी। फ्रेंड्स अभी देख रहे बहुत ही पकड़ है इसकी। तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो अपलोड करनी कर दी। तो इस पहले मैं अपने बर्थडे की वीडियो अपने यूट्यूब पर नहीं शेयर करता था। मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब पर शेयर करनी चाहिए या कि क्या उन्होंने जैसे कि व्यूज़ वगैरह आते हैं ये मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि जिसके बगैर मैंने आज मैं अब वीडियो अपलोड करूँ मैंने सोचा साथ में मेरे एंटरटेनमेंट हो जाएगा और पैरेंट के साथ खेला भी जाएगा और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। फ्रेंड्स के साथ बातें भी हो जाएंगी और दिखा भी दूंगा ना सेलिब्रेशन। फ्रेंड्स ये देख जैसे कि मैंने सेलिब्रेशन किया इतना मैं पहले सोचता था कि यूट्यूब जिंदाबाद जैसे मनोज दे भाई ने लगाया अपनी दीवारों पर यूट्यूब जिंदाबाद फॉलो मी इंस्टाग्राम ऐसे को उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं सोचता था कि मैं भी आज ही लगाऊँगा। मैंने सोचा नहीं मेरा बर्थडे आने वाला मैं बर्थडे वाला दिन ही लगाऊँगा नाले साथ में क्या होगा कि इतनी सेलिब्रेशन दिखा दूँगा अपना बैकग्राउंड अच्छा दिखा दूँगा और क्या होगा फ्रेंड्स अच्छा बैकग्राउंड दिखा दूँगा और ये यूट्यूब जिंदाबाद लगा दूँगा। फ्रेंड्स देखेगा कितना अच्छा यूट्यूब जिंदाबाद लग रहा। तो गैस मैंने आज इसको प्रिंट गैस मैंने इसको डिज़ाइन खुद मैंने ही लिखा था। फ्रेंड्स ये मैंने लिखा बाकी प्रिंट में 20 रुपये प्रिंट वाले ने ले ली और प्रिंटिंग का दे दिए। बस बहुत ही अच्छा लिखा गया है यूट्यूब जिंदाबाद। इसकी एडिटिंग वगैरह मैंने सब कुछ किया फ्रेंड्स और कुछ और बस इसकी एडिटिंग मैंने की है। बस ये जो है ना इसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया तो ये वाले अपने आप से खुद से लिखे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने खुद ही लिखे। उसके बाद अभी आती है मेरा बैकग्राउंड कैसे है क्या गैस मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरा बैकग्राउंड कैसे का। गैस आप देख रहे हो कि ये दिखेगा ये बैकग्राउंड है फ्लावर्स वाला बैकग्राउंड है। गैस मैंने कपड़ा खरीदा था अपना गैस एक कपड़ा खरीदा था। तो फ्रेंड्स मैंने कपड़ा खरीदा मैंने सोचा अभी मैं ये भी वीडियो पहले आपको फ्लावर्स वाली सिंपल से फ्लावर वाली वाइट कलर वाली चादर दिखाई दे रही होगी या कपड़ा सॉरी फ्रेंड्स कपड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी ये मैंने कितना ब्यूटीफुल कपड़ा लगा लिया। तो फ्रेंड्स फ्लावर्स वाला मैंने कपड़ा लेके आया हूँ। तो गाइस ये लाने के बाद गाइस आप देख रहे हैं मेरा सेटअप कितना अच्छा जच रहा है अभी। गाइस इसी सेटअप को मैं अभी लेकर आऊँगा क्योंकि गाइस पहले मैं अपनी सेट पर कुछ भी नहीं ऐसा लाता था। गाइस आपको ऐसे कि गाइस आपको कुछ भी नहीं डरने की बात क्योंकि आप सोच रहे गैस आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि सेटअप हो जैसे कि हमारे पास माइक हो फोन स्टैंड हो बोया का माइक हो अच्छा अच्छी क्वालिटी का माइक हो अच्छे कपड़े हो बढ़िया कमरा हो इतनी बढ़िया हमारी जगह हो जिस पर हम बैठ कर बनाए बिल्कुल शांति हो कोई हल्ला ना करे ब्यूटीफुल फ़ोन हो ऐसा आपको फ्रेंड्स कुछ भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि गाइस आपको वॉइस मेरी दिखाई दे रही होगी कैसे क्या अभी वॉइस है गाइस मुझे क्योंकि वॉइस बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा जैसे कि वॉइस का बैकग्राउंड आता गाइस है। जब गाइस मेरे पास जब पैसे होंगे तो गाइस मैं अपना माइक लूँगा फिर उससे वीडियो बना करूँगा। फ्रेंड्स अभी मैं अपना माइक बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बोल रहा था कि मेरे पास अभी माइक वगैरह नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी मेरे मामू जी ने मुझे मेरे बर्थडे का सुनने का मुझे एक गिफ्ट देने का सोचा गया सर अभी ये तो नहीं पता मुझे उन्होंने यही बोला कि तुम्हारा माइक नहीं है उनको मैं माइक दूंगा। अभी उन्होंने ये बोला कि माइक दूंगा फिर बोला कि मैं और भी पाँच छः चीज़ें तुमको ज़रूर दूंगा ये अपने तेरे बर्थडे पर गिफ्ट। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई माइक दूंगा
उसके बगैर अभी मेरा शाम को 5 बजे कुरियर आने वाला, उनका फ़ोन भी आया, उन्होंने बोला कि कुरियर तेरा बुक हो चुका है, अभी तुम्हारे पास शाम को 5 बजे तक का तेरा कुरियर आ जाएगा, और वहाँ कुरियर को देख लेना कौन क्या क्या तुम्हारा गिफ्ट है और मुझे फ़ोन करके बता देना। तो फ्रेंड्स मेरा 5 बजे पूरा कुरियर पूरे 5 बजे मेरा कुरियर आने वाला है। तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा 5 बजे पूरे 5 बजे कुरियर आने वाला है, मेरा 5 बजे कुरियर आने वाला है। फ्रेंड्स मैं उसके ऊपर भी वीडियो डालूंगा, अनबॉक्सिंग करेंगे हम, देखेंगे मुझे क्या गिफ्ट मिला मामू जी से। तो फ्रेंड्स आज का हम गिफ्ट खोलने वाले हैं, हम देखेंगे क्या हमको 5 बजे मिलता है कुरियर में गिफ्ट। तो गाइस आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और गाइस मुझे आप हैप्पी बर्थडे की विश कमेंट के अंदर ज़रूर डालिएगा। गाइस आप मुझे एक लाइक कर दीजिएगा, मैं उसको गिफ्ट आपका मानूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे मामू जी का भी गिफ्ट आने वाला है शाम को 5 बजे, तो फ्रेंड्स हम उसको बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको आशा कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत अच्छा सामान मिल जाए, जिससे मेरी वॉइस अच्छी हो, बैकग्राउंड बिल्कुल भी ना, जिससे माइक वगैरह मिल जाए। तो गाइस तो यही चाहता हूँ कि मेरा क्लियर आए और मैं उसको देखूँ और अनबॉक्सिंग आपके साथ भी करूँ। तो फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम गाइस आज। आज फ्रेंड्स हम अनबॉक्सिंग पूरे 5 बजे करेंगे गाइस, 5:30 हो जाएंगे, पूरे 5:30 हो जाएंगे, क्योंकि गाइस क्योंकि अभी आएंगे वो 5 बजे आएंगे वो, बाकी मैं वो आएंगे साइन लेंगे और जाकर पानी पिलाएंगे, फिर जाकर ही खुद को उनको भी कुछ देंगे खाने पीने के लिए, उनको भी कुछ खाने पीने के लिए देंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए फिर वो आएंगे, फिर हम होते होते 5:30 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स 5:30 हो जाएंगे, फिर क्या होगा कि हमारा 5:30 बजे जाकर आपके पास वीडियो अपलोड ज़रूर होगी। फ्रेंड्स 5:30 बजे मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा ये पैरट कितना खूबसूरत है, आज ये भी बहुत खुश है। फ्रेंड्स आज ये भी बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास मेरे साथ ये भी बहुत आज खेल रहा है। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये नोटिस कर देता हूँ कि आप नए यूट्यूबर हो, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास फोन स्टैंड नहीं है, मेरे पास वीडियो नहीं अच्छी बनेगी, आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा गाइस सोचना। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी बनेगी, आप अपना इंटरेस्ट दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं अपना एक किया पूरा इस वीडियो में, बहुत ही मेरा ध्यान है, तभी जाकर ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो फ्रेंड्स हमारी थोड़ी बहुत ही ताई तभी तो वीडियो लंबी होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबी होने वाली है, तो फ्रेंड्स वीडियो में कर दीजिए लाइक। तो गाइस अभी 5-7 मिनट की हो गई होगी, पता नहीं कितने की होगी अभी। तो फ्रेंड्स अभी हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, शूटिंग के ऊपर ही हम पूरा अपना ध्यान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो फ्रेंड्स गाइस आप क्या बोलते हैं, मुझे ये ज़रूर बताना कि मेरी सेलिब्रेशन कितनी अच्छी है, कैसे कि सेलिब्रेट है मेरा सब कुछ। तो गाइस अभी मैंने बैलून्स भी लगाने थे, गाइस अभी तक मैंने बैलून्स नहीं लगाए, क्योंकि मैंने सोचा ये मेरा पैरट है बहुत ही शरारती है, या तो मैं बैलून्स लगा दूँगा अभी यहाँ पर लगाऊँगा, ये जैसे कि यहाँ पर बैठे, तो गाइस ये यहाँ पर आकर उस बैलून को फोड़ देगा, तभी गाइस मैंने नहीं लगाई। हमने गाइस जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे तभी यहाँ पर ही रखकर किसी सेटअप के ऊपर रखकर हम अनबॉक्सिंग करेंगे शाम 5 बजे को फ्रेंड्स। और आप एक हमारी मेरे बर्थडे का एक सॉन्ग भी मिलेगा, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे वो सॉन्ग का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद गाइस आज मैं आपको ये भी बता दूँ कि प्ले स्टोर यूट्यूब को डार्क मोड पर हम कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर को फ्रेंड्स यूट्यूब को डार्क मोड लगाने के लिए गाइस आपके लिए वो भी वीडियो आज ही जैसा कल पक्का आएगी आपके पास, क्योंकि आज तो मैं वेला नहीं, आज मुझे बहुत ही काम है, आज कुरियर भी आना, उसको अनबॉक्सिंग करना, दूसरी वीडियो बनानी है, सॉन्ग को कंप्लीट करना है, ब्यूटीफुल सॉन्ग बनाना, उसमें मैं अच्छी अच्छी फोटोज़ लगानी है। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ तक थी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और गाइज हम अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे।